हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में और हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि विंडोज जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। बेसिकली क्या है, ये जो कंप्यूटर यूजर हैं और इनके सब से रिलेटेड ये वीडियो, अगर आप विंडोज यूज करते हो तो भी आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, बेसिकली कुछ दिनों से जो ये चल रहा है कि विंडोज 11 आ गई है, विंडोज 11 आ जाएगी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली है क्या, इसका जो पूरा मामला क्या है, मैं इसके बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ कि जैसे कि अभी कि ये पता चल रहा है कि जो विंडोज 11 है, जो 24 जून के आसपास उसको अनाउंस होने वाला है, ऐसा खबरों में आ रहा है। तो उसमें क्या हुआ, अभी उसके कुछ फीचर जो हैं वो लीक हो गए हैं, ठीक है। मतलब लॉन्च होने से पहले ही लीक हो गए हैं, भाई कमाल है। मतलब प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ उसके पहले सारे फीचर मतलब लीक हो गए हैं। तो ये ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो इसके फीचर हैं जो लीक हुए हैं, वो चाइनीज वेबसाइट जो है बायदू करके है, ठीक है, उस पे पाए गए हैं। तो उसी के थ्रू जो वो फीचर मिले हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, उसने पहले से ही बता रखा है कि नहीं, विंडोज 11 में ऐसे फीचर होंगे, करेक्ट। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, भाई माइक्रोसॉफ्ट ने तो यूजर के साथ खेल लिया, क्योंकि इसके पहले जो था सबसे ज्यादा चलने वाली जो थी विंडोज 7 थी। विंडोज 7 के बाद 8 आई, 8.1 आई, ठीक है, ये जो भी चली एकदम पिट गई। मतलब इनको पिटना क्या मतलब बोल सकते हैं, एकदम बेकार निकली। 7 के बाद ये 10 ही है, जो कि 10 अभी तक सफर कर रही है, अभी तक चल रही है। वो भी कारण क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बोला था कि अब इसके बाद कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा अब नया लॉन्च नहीं होगा, अपडेट मिलते रहेंगे लेकिन लॉन्च मतलब नया कोई वर्जन नहीं लॉन्च होगा। अब पता नहीं उनकी क्या पॉलिसी, उन्होंने क्यों बदल दिया, कैसे क्या किया, कैसे जो भी है वो उनका इंटरनल मामला है, उसमें हम नहीं बता सकते। लेकिन जो पहले था उसको मैं बताया, और आगे क्या होगा ये मैं बताऊंगा। विंडोज फिर अब ये खबर है कि विंडोज 11 लॉन्च होगी, ठीक है, वो 24 जून के आसपास डेट बताई जा रही है। बट उसमें क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जहां तक मुझे पता है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें बेसिकली जो भी चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर हम उसमें चेंजेस की बात करें तो जो भी अभी तक अपडेट मतलब जो मिला है मुझे, उसके बारे में बात करें तो सबसे बड़ा चेंजेस टास्क बार में चेंज मिल सकता है। टास्क बार में बहुत सारा चेंजेस मिल सकता है। और बात करें टास्क बार में जो है एप्लीकेशन मतलब ऐड हो सकती हैं। और बात करते हैं कि और क्या चेंजेस हो सकता है, तो स्टार्ट मेन्यू में काफ़ी सारे चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू भी चेंज हो सकता है, ठीक है दोस्तों, जो कि ऐसा है जो मुझे भी मिला है, मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा, ठीक है। ये चेंज हो सकता है। और नेक्स्ट की बात करें तो जो हमारा टास्क बार की बात करें या स्टार्ट मेन्यू की बात करें, ये जो चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन पावर ऑन ऑफ या क्विक रिस्टार्ट का ऑप्शन वो आपको मिल सकता है। मतलब आप एक तो पावर ऑन ऑफ होता है, क्विक रिस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टार्ट मेन्यू में जो पिंड एप्स रिसेंट फाइल होंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं रिसेंट फाइल, वो भी चेंज करने का आपको ऑप्शन वो दिखेगा आपको, जो नया आएगा उसमें ये भी चेंज आपको मिल सकता है। टास्क बार की बात करें तो टास्क बार को आप सेंटर में न रख के आप लेफ्ट साइड में भी रख सकते हैं, ठीक है, जो कि अपने मुताबिक आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। विंडोज 11 में फाइल एक्सप्लोर की बात करें तो उसमें जो आइकॉन्स में बदलाव किया गया है, मतलब काफी आइकॉन्स में भी चेंज कर दिया जाएगा, ऐसा खबर में है, ठीक है। तो ये मेजर चेंजेस जो है ये आपको डिजाइनिंग में मिलेंगे, विंडोज की ग्राफिक्स में मिलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में मतलब जो भी मिलेगा, ये आपको विजुअल जो दिखेगा वो बहुत चेंजेस मिलेगा। और हम बात करते हैं विंडोज 11 में जो ट्रांजिशन है वो चेंज मिल सकता है, ठीक है। और बूट के टाइम एनिमेशन मिलेगा, उसके बाद जो उसमें साउंड होगी वो चेंज होगी। तो ये काफी बदलाव किए जाएंगे विंडोज 10 के मुताबिक 11 में, लेकिन अब आए तब पता चले, उसको यूज किया जाए फिर पता चले कि क्या क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। अभी तो जो खबरों में वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बूट करती है उसमें एनिमेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। और ये सब ये जो चेंजेस हैं, यही सब चेंजेस जो छोटे छोटे जो चेंजेस हुए हैं, ग्राफिक्स में चेंजेस हुए हैं और आइकॉन्स में चेंजेस हुए हैं, यही सब आपको चेंज मिलेगा। और ये बताया जा रहा है कि ये इसका जो ISO है लीक होने से पहले लीक हो गया है। तो ये ISO बेसिकली लीक हो गया है, तो लेकिन हाँ ये ओरिजिनल नहीं है, ये पायरेटेड है,
तो लोग क्या कर रहे हैं, उसको इंस्टॉल भी कर रहे हैं और टेस्ट मतलब एज ए इंस्टॉल करने के बाद उसको देख रहे हैं कैसे कैसे मतलब ग्राफिक्स क्या क्या चेंज हुए हैं। तो ये सब चीजें चेंज हुई हैं, हालांकि हाँ पायरेटेड नहीं करना चाहिए, लेकिन अब इंडिया है तो चलता तो है, ये पायरेटेड बहुत लोग यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है विंडोज 11 में इतने सारे चेंजेस होंगे। ठीक है, अब ये 24 जून को तो लॉन्च किए करने की संभावना है, लेकिन अब अगर 24 जून को आ जाता है दैट्स गुड, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। और आगे फिर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि डीप में मतलब क्या क्या एग्जैक्ट में जो भी चेंज हुआ उसके लिए मैं प्रॉपर वे में एक वीडियो बना के जरूर डालूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विंडोज 10 से 11 में क्या चेंजेस हुए होंगे, वो हमने जो बताया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो, ताकि ऐसे ही हम टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो आते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है टेक्निकल में तो हमारे वीडियो पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।